हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है अपने चैनल रिबेट फिल्म में। और आज हम अक्षय कुमार की नई मूवी जो आने वाली है मिशन रानीगंज, उसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया है। हालांकि इस मूवी का उतना कुछ ज़्यादा हाइप नहीं है, उतना कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है, पर इसका ट्रेलर आ चुका है। चलिए देखते हैं उसका ट्रेलर कैसे, उसका रिएक्शन करते हैं। मेरे को उतना कुछ ज़्यादा होप नहीं है इस ट्रेलर से, पर देख लेते हैं। अक्षय कुमार का ट्रेलर है भाई, तो देखते हैं कैसा है। एक बायोपिक मूवी है तो शायद देखते हैं अच्छा ही होगा। ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा कि इस मूवी में कितना दम है। डॉट अक्षय कुमार को लोग भयंकर है भाई, सीरियसली। ये पानी वाला सीन थोड़ा मुझे थोड़ा वीएफएक्स थोड़ा डाउन लगा। नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। वो ये एक माइनिंग एरिया है सर। पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। कोई कुछ नहीं बता रहा है, क्यों का हालत है, हमारी मदद कीजिए सर। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर। ट्रेलर तो अभी तक प्रॉमिसिंग लग रहा है, अच्छा तो है। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इन माइनर्स को बचाने के लिए। सर, I have a rescue plan. हमने सुना है नीचे कार्बन रियल स्टोरी। हाँ तो पता ही था रियल स्टोरी है। मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया। गिल, ये जो टेक्निक है किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ? नो सर, भारत में पहली बार होगा। सरदार जी को उपस्थिति को हम बहुत ही लाइक। ये मेरे को पता नहीं था, ये भारत में पहली बार ये रेस्क्यू मूवमेंट चलाया गया है। 24 आवर्स सर्वाइव, बाप रे। हाँ, अक्षय कुमार खुद जा रहे हैं नीचे। ये भाई पारे नीचे चोपड़ा मिशन रानीगंज ग्रेट भारत रेस्क्यू। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਭੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 6 ਅਕਟੂਬਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚਾ ਤਾਂ ਉਸਸੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। मेरे को तो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने इतना सोचा नहीं था। मतलब इस मूवी का उतना कुछ हाइप नहीं था, लेकिन ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं ये जान पा रहा हूँ कि अक्षय कुमार को क्यों ये बेस्ट एक्टर कहा जाता है। इस टॉपिक को लेके, इस मूवी को लेके मेरे को उतना कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है, जो मैं अभी कुछ आपको बोल उतना नहीं पाऊंगा। आगे जब इस ट्रेलर का रिव्यू मेरे चैनल पे आएगा, तब मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली ये मूवी कहाँ स्टैंड करती है, किसके बारे में है। और जैसा यहाँ पे बताया गया है ट्रेलर में कि ये इंडिया का सबसे पहला रेस्क्यू मिशन है, तो शायद यहाँ पे आपको वो डर, वो बुजबम वाला फील दे सकती है। क्योंकि ट्रेलर को देख तो यही लग रहा है कि कुछ लोग माइंड के अंदर फंस गए हैं, और यहाँ पे अक्षय कुमार जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कैसे उन फंसे हुए लोगों को उन माइंड से बाहर निकाला जाए। तो भाई ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, और ये बायोपिक मूवी तो है ही। मैं इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके आपको इस ट्रेलर का एक रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो इतना ही था। बाकी जितना भी आपको कुछ जानना है वो सब आपको मेरे रिव्यू में मिल जाएगा। तो यदि आप लोगों को रिव्यू मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिससे भी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।